नए कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान के बीच चल रही वार्ता का पांचवा दौर खत्म हो गया है, लेकिन अब तक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मिल पाया है जिस पर दोनों ही पक्ष तैयार हो। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दावा किया है कि बैठक अच्छे माहौल में हुई है और अब 9 दिसंबर को एक बार फिर बैठक होगी जिसमें आगे की चर्चा की जाएगी। तो आज की बैठक में किन बिंदुओं पर बात हुई है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। अन्नदाताओं के साथ सरकार की बातचीत के चौथे दौर में भी गतिरोध नहीं टूट पाया है। अन्नदाता अब इस बात पर अड़ गए हैं कि उन्हें सरकार के बिल में संशोधन मंजूर नहीं है, सरकार को बिल वापस लेने होंगे। दूसरी ओर सरकार से कहा जा रहा है कि वो विधेयक में जिस बिंदु पर अन्नदाताओं को आपत्ति है उस पर वो संशोधन को तैयार है, लेकिन विधेयक वापस नहीं लिया जाएगा। अब 9 दिसंबर को एक बार फिर अन्नदाताओं की सरकार से बात होगी। आज की बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे, वहीं किसानों की ओर से उनके 40 प्रतिनिधि शामिल रहे। इस बीच अन्नदाताओं की ओर से साफ कर दिया गया कि यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। 8 दिसंबर को पहले ही भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। अन्नदाताओं ने आज बैठक में सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए कहा कि सरकार हाँ या ना में जवाब दे, बार बार तारीख ना दे। सरकार अन्नदाताओं को बार बार ये आश्वासन दे रही है कि उनके सभी मुद्दों को सरकार सुनेगी। सरकार ने अन्नदाताओं से फिर समय मांगा है। इस बीच राजेश टिकैत ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने संकेत दिए हैं कि सरकार विधेयक को वापस लेने पर भी विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री ने कहा कि अन्नदाताओं को बातचीत जारी रखनी चाहिए और जब तक बातचीत चल रही है तब तक आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि उनके प्रदर्शन से आम लोगों को परेशानी हो रही है। अब देखना ये होगा कि 9 दिसंबर की बातचीत में हल निकल पाएगा या फिर बातचीत आगे भी जारी रहेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।